पाकिस्तान के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या के कई वीडियो आपने देखे होंगे, जिसमें बैलेट पेपर बदले गए, फर्जी बैलेट पेपर्स के जरिए वोटिंग हुई, बैलेट पेपर लूट लिए गए, जिन्हें देखने के बाद सबने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन चुनावों में धांधलियों पर सिर्फ पाकिस्तान का कॉपीराइट नहीं है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या हुआ, ये सबने देखा है। जब मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, आपने भी जब ये वीडियो पहली बार देखा होगा तो सोचा होगा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सारी टिप्पणियां इस वीडियो को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को की थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई ये वीडियो क्लिप 30 जनवरी की है, जब मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को मिले 8 वोटों को अयोग्य ठहराने का गेम चल रहा था और इस खेल के मेन खिलाड़ी थे इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो वीडियो में हेर फेर करते हुए दिख रहे हैं और अपनी चोरी को छिपाने के लिए बार बार सीसीटीवी कैमरों को चेक भी कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की इसी हेराफेरी के चलते मेयर चुनाव के अनफेयर गेम में बीजेपी की जीत हुई थी, जिसके कैंडिडेट मनोज सोनकर को मेयर पद की कुर्सी मिल गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट को मिले 20 में से 8 वोटों को रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने इनवैलिड घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से 16 वोट पाने वाले बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई थी, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर की हेरा फेरी का वीडियो देखा और उन्हें तलब कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने मेयर पद पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत को रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। चंडीगढ़ में कुलदीप कुमार की ताजपोशी का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया, मिठाइयां बढ़ गईं। 30 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नतीजे घोषित होने के बाद रोए थे, आज सुप्रीम कोर्ट से जीत का फैसला सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस टाइम जो आंसू थे वो लोकतंत्र की हत्या हुई थी उसके अकॉर्डिंग थे कि यार वहाँ पर सरेआम हमारी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और हम कुछ कर नहीं पाए, और जो आज आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिंदा रखने में आप लोगों का साथ बहुत रहा, मीडिया ने बहुत साथ दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया, और सबसे बड़ा साथ तो हमारी पार्टी ने दिया। ये तो आपने भी देखा ना, ये अकेले बंदे का तो काम है नहीं, किस तरह से वो बैल में जाके कुछ लोग बीजेपी के थे, कुछ नॉमिनेट काउंसलर थे, कुछ चुनिंदा पार्षद थे, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, कैमरे हटवा रहे थे कि यहाँ से कैमरे हटवाइए और उन्हें जो बैलेट पेपर को रद्द करने का उन्हें मौका मिल जाए, वो सारा एक मिली हुई भगत थी इनकी, जो जिसके ऊपर इनका किसी ना किसी बड़े लीडर का हाथ होगा, अदरवाइज वो इस तरह से घिनौना काम ना करते। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी चुनाव का नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने खुद घोषित किया, लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो गलत है, लेकिन ऐसे लोगों को शायद पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत संविधान में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि दो पक्षों में पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे उपाय भी कर सकता है जिनके बारे में कोई लिखित प्रावधान नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करके मेयर चुनाव के नतीजे घोषित किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसा करना क्यों पड़ा, ये समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस और रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से चीफ जस्टिस के सवाल जवाब जानने चाहिए। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अनिल मसीह से चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर निशान लगाया? अनिल मसीह ने जवाब दिया, जो बैलेट पेपर खराब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ही मैं ऐसा कर रहा था। चीफ जस्टिस ने दूसरा सवाल किया, वीडियो में दिख रहा है कि आपने क्रॉस का निशान लगाया था, ऐसा क्यों किया और कितने बैलेट पेपर पर किया? अनिल मसीह ने जवाब दिया, मैंने ऐसा 8 बैलेट पेपर पर किया था, क्योंकि उम्मीदवारों ने बैलेट पेपर्स को छीन लिया था, उन्हें मोड़ दिया था और उन्हें खराब कर दिया था, इसीलिए उनकी पहचान के लिए ही क्रॉस का निशान लगाया था। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने फिर पूछा, आप चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे, बैलेट पेपर को खराब करने का काम आप क्यों कर रहे थे? आपको सिर्फ कागज पर साइन करने थे।
इसके बाद चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल को यह कहा, रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस ने यह माना कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जानबूझकर बैलेट पेपर्स को खराब किया गया, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि नियम के मुताबिक मेयर चुनाव में बैलेट पेपर सिर्फ 3 कंडीशन में इनवैलिड हो सकते हैं। एक, अगर एक बैलेट पेपर पर एक से ज्यादा उम्मीदवार के नाम पर वोट किया गया हो। दूसरा, अगर बैलेट पेपर पर यह साफ ना हो कि वोट किस उम्मीदवार को दिया गया है। और तीसरा, बैलेट पेपर पर कोई खास चिन्ह बना दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि ये तीनों ही चीजें उन 8 बैलेट पेपर्स पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उन बैलेट पेपर्स पर बाद में क्रॉस का निशान लगाया गया था और यह काम रिटर्निंग अफसर ने खुद किया था। इसलिए चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाए जाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसकी वजह भी बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नियमों के मुताबिक वोटिंग के वक्त हर सदस्य को बैलेट पेपर के दाहिनी तरफ उस उम्मीदवार के सामने क्रॉस का निशान लगाना था जिसे वो मेयर चुनना चाहते हैं। जांच में पता चला है कि जिन 8 बैलेट पेपर्स को अवैध करार दिया गया उनमें आप कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने इन पर स्याही से निशान लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रिटर्निंग अफसर ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर्स को खराब करने का काम किया, कोई भी बैलेट खराब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी हरकत से अनिल मसीह ने मेयर चुनाव के नतीजों को बदल दिया, कोर्ट में लगातार झूठ बोला जिसके लिए वो जिम्मेदार है। अब अनिल मसीह पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत केस चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हरकत को सही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठी गवाही दी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया और आप कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। सच की जीत होती है, हमने किताबों में पढ़ा था, पर आज लाइव सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर हमने देख लिया कि सच की जीत होती है। हमारे साथी बहुत हताश थे, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत करने के बाद 20 वोट हमारे जब पड़े थे और 20 वोट पड़ने के बाद उनको में से 8 वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया अनिल मसीह के द्वारा, जो भाजपा के द्वारा नॉमिनेटेड काउंसलर थे और प्रिजाइडिंग अफसर थे। उसके बाद से हाहाकार मचा हुआ था, हमने हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और न्याय की उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख के। और आज जिस तरह का न्याय हुआ है वो दिन ऐतिहासिक दिन है चंडीगढ़ के लिए। देश के सामने एक शीशे के तौर पर साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है। आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना होगा, नहीं मैं समझता हूँ देश बहुत बड़े खतरे में जाने वाला है। सो उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये तो मेयर का इलेक्शन, एक छोटे से मेयर के इलेक्शन में बीजेपी ने ये दिखला दिया था कि कैसे उसने गुंडागर्दी करके, कैसे जितना भी तमाम कानून है उसको तोड़ के, कैसे लूट के जो इलेक्शन जीतने की कोशिश करी थी, उसके ऊपर आज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। पकड़ा गया, वो तो सीसीटीवी है तो पकड़ा गया। अब तो चाहेंगे कि लाइव जो है कैमरे हर जगह लगे हैं, जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है या जहाँ भी काउंटिंग होती है। और सेम इसी तरीके का काम 2020 में हुआ था, हम लोग सरकार बना लिए थे, ऐसे ही 10 से 15 सीटें हम लोगों को बैलेट से हराने का काम किया गया, जो वोटें रद्द कर दी गई, किसी हमारे कैंडिडेट को 12 वोटों से हरा दिया गया,
किसी को 50 वोट से हरा दिया गया, किसी को 100 वोट से हरा दिया गया, यही काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए जितनी बड़ी जीत है, बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि सबको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मेयर पद के चुनाव दोबारा करवाने का आदेश दे देगा और इसकी तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर ली थी। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके थे ताकि अगर दोबारा चुनाव हो तो मेयर पद पर बीजेपी की जीत पक्की हो जाए। कैसे, अब ये समझिए। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि एक वोट चंडीगढ़ सांसद का होता है, यानी कुल 36 वोट। बीजेपी के 14 पार्षद हैं, इसमें अगर चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर का वोट जोड़ लें तो बीजेपी के 15 वोट हो जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 पूर्व आप पार्षदों के साथ ही आंकड़ा 18 हो जाता है। इसमें अकाली दल का 1 पार्षद वोट मिलकर यह संख्या 19 हो जाती, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 17 पार्षद ही रह जाते, यानी बीजेपी को बहुमत मिल जाता और बीजेपी आसानी से अपना मेयर बना लेती। बीजेपी को यह समझ में आ चुका था कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसर की हरकत को नजरअंदाज नहीं करेगा और नतीजों को रद्द कर देगा। इसीलिए पहले तो बीजेपी ने अनिल मसीह को पार्टी से निकाला और फिर मनोज सोनकर को मेयर पद से इस्तीफा दिलवाया। इस तरह बीजेपी ने खुद को अनिल मसीह से अलग कर लिया और उन्हें बचाने पर एनर्जी वेस्ट करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा चुनाव करवाने का आदेश देने के लिए मनाने पर फोकस कर लिया। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग पर कैसे पानी फिरा, ये आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान आप कैंडिडेट के वकील ने कहा, हमारा मानना है कि नए सिरे से चुनाव की बजाय वर्तमान बैलेट पेपर्स की गिनती निशानों की परवाह किए बिना की जाए और नतीजा घोषित किया जाए। इसका विरोध करते हुए बीजेपी मेयर कैंडिडेट के वकील ने कहा, नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। आप कैंडिडेट के वकील ने तर्क दिया कि इस पूरे मामले को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। बीजेपी मेयर कैंडिडेट के वकील ने दलील दी कि चुनाव को रद्द करने पर नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। इस पर आप कैंडिडेट के वकील ने कहा, ये फिर से चुनाव इसलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सके, नए इलेक्शन के दौरान ये पार्षदों को तोड़ सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और चुनाव के दौरान धांधली के वीडियोस देखने के बाद चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर मामला है, हम इसे लेकर चिंतित हैं, मगर हमारा मानना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम नए चुनाव के बजाय वर्तमान वोटों के आधार पर घोषित किए जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अगर नए सिरे से चुनाव होते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों की खरीद फरोख्त होने का डर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव ना करवाने की संवैधानिक वजह भी क्लियर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूरे चुनाव में सिर्फ वोटों की गिनती ही गलत तरीके से हुई, इसीलिए पूरे चुनाव को रद्द करना गलत होगा। जो भी गलत हुआ वो रिटर्निंग अफसर के गलत व्यवहार की वजह से हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद ही मेयर चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई और बीजेपी को हार मिली। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें।